हाँ, हमारे हमारे नबी जो है एक मॉडल थे, हाँ, उस दौर के हीरो थे, ठीक है। किस न, 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 नबी का हुलिया कैसा बना? ये इबलीसी हुलिया है, ये ओढ़नी ओढ़ना, यू यू करना, ये सब ये किसका हुलिया है? अरे ये तो औरतों का है रे गधों, ये औरतों का हुलिया बना के जो है तुम अपने आप को नबी का हुलिया बना के पेश कर रहे। नबी एक मॉडल था जो है, मॉडल 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 था नबी एक मॉडल था जो है, मॉडल 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 था नबी एक मॉडल था जो है, मॉडल 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 था। स्टार, स्टार का मतलब क्या है रे गधों? स्टार का मतलब वही है, मोहम्मद भी जो है एक स्टार का ही नाम है। जैसे मेरा नाम नजम है, मैं भी एक स्टार हूँ, वैसे मोहम्मद भी एक स्टार थे। मोहम्मद भी जो है एक स्टार का ही नाम है। जैसे मेरा नाम नजम है, मैं भी एक स्टार हूँ, वैसे मोहम्मद भी एक स्टार थे। लेकिन गायत्री मंत्र, जिसको मंत्र का मतलब आयत होता है, उसको उसको जो है मुसलमान, उसको मुसलमान हर नमाज में पढ़ता है। पढ़ता है गायत्री मंत्र को, कैसे पढ़ता है? कन्वर्ट करके पढ़ता है अरबी में। कि गायत्री मंत्र, जिसको मंत्र का मतलब आयत होता है, उसको उसको जो है मुसलमान, उसको मुसलमान हर नमाज में पढ़ता है। पढ़ता है गायत्री मंत्र को, कैसे पढ़ता है? कन्वर्ट करके पढ़ता है अरबी में। ट्रैवल पॉइंट का एमडी काजी नजमुद्दीन गुस्ताख साहबा था और अब गुस्ताख रसूल हो गया है। तफसीलात के मुताबिक ट्रैवल पॉइंट का एमडी काजी नजमुद्दीन ट्रैवल पॉइंट एचआर सॉल्यूशन के नाम से यूट्यूब अकाउंट पर साहबा इकराम की गुस्ताखी और नाजेबा कलिमात का इस्तेमाल करते हुए वीडियो को पोस्ट किया और उसके बाद अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और नाजेबा कलिमात का इस्तेमाल करते हुए इस वीडियो को भी अपने यूट्यूब अकाउंट पर पोस्ट किया, जिसकी वजह से सारे मुसलमानों के जज्बातों को ठेस पहुँची। वाज़ह है कि मौलाना जाफर पाशा ने भी इस शख्स को गिरफ्तार करने, सख्त कार्रवाई करने हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर रंजनी कुमार से मुतालबा किया था और इस शख्स के खिलाफ एक तहरीरी शिकायत भी दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस की बरवक्त कार्रवाई नहीं हो सकी, जिसकी वजह से यह शख्स हैदराबाद से फरार होने में कामयाब हो गया और अब दुबई में बैठकर इस्लाम की मौजूद शख्सियतों के बारे में वीडियो वायरल कर रहा है, जिसकी वजह से सारे मुसलमानों के जज्बातों को ठेस पहुँच रही है। इसी जीवन में मौलाना जाफर पाशा ने मीडिया से बात करते हुए हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर रंजनी कुमार पर बरहमी जाहिर की और कहा कि इस शख्स को सही वक्त पर अगर गिरफ्तार किया जाता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता और हैदराबाद में जलसे अजमत साहबा मुनक़िद किया जा रहा है। 8 फरवरी बाद नमाज शाह चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज ग्राउंड पर किया जाएगा। इस सिलसिले में मौलाना जाफर पाशा, मौलाना गयास रहमानी, मौलाना अबरार और इनके अलावा दीगर मौलानों ने भी मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की और तफसीलात बताए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। देखिए असल बात यह है कि जब मेरे पे वो हमला किया उस दिन से ज़रा मैं खामोश हो गया, क्योंकि अब मुझे ऐसा मालूम हुआ कि अगर मैं कुछ कहूँगा तो मैं अपना बदला लूँगा। लेकिन जहाँ तक पुलिस का मामला है, हमारी पुलिस माशाल्लाह बहुत ठंडी है और पुलिस हरकत में आने को तैयार नहीं है। शायद उन्होंने ये देख रहे हैं कुछ अच्छा काम ये करने के बाद ही हम हरकत में आएंगे। हम पुलिस के जिम्मेदारों से बार बार ख्वाहिश कर रहे हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि हमेशा हमको तसल्ली के जुमले ही हमारे से आ रहे हैं। और कमिश्नर साहब के पास जो हमने दिया था दरख्वास्त, उसके ऊपर हमारा ये जहन में था कि कमिश्नर साहब फौरी एक्शन लेंगे, मगर वो एक्शन के बजाय उन्होंने उसको भगाने का पूरा उनको मौका दिया भागने का, और भगाने के लिए पुलिस ने पूरा उनका साथ दिया। और उसके बाद अब ये मातम कर रहे हैं बैठ के कि वो चले गया, हम क्या करेंगे, अब हथेलियाँ ठोकने के अलावा उनके पास है नहीं कुछ। मगर हम भी ये तय करके रखेंगे, आज नहीं कितने भी महीने के बाद आए, मगर उसको हैदराबाद आने के बाद यकीनन हम उसको नहीं बख्शेंगे इंशाल्लाह। शख्स ने साहबा इकराम के साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी गुस्ताखी कर दी परसों, उस बारे में गल्फ ममालिक में भी एक FIR दर्ज हुआ जिसपे वो लोग पासपोर्ट मांग रहे हैं उसका, जो पुलिस का नहीं मौजूद है पासपोर्ट, तो पुलिस भी वो पासपोर्ट नहीं दे रही है क्योंकि वहाँ पे भी उसे अरेस्ट करने के लिए खलीज टाइम्स में एक न्यूज छपी थी उसके ताल्लुक से। ये तो मुझे इत्तला नहीं है, अभी आपसे इत्तला मिली है। अगर ये है वाकई तो हम भी एक FIR नया यहाँ दर्ज कराएंगे, और यहाँ ऐसी बात नहीं मानी जा रही है तो अब माशा पूरे हमारे जलसे आम में ही हम करारदाद को मंजूर करेंगे इंशाल्लाह। शहर हैदराबाद के लोगों को वाकिफ करवाएं। इसी सिलसिले में 8 फरवरी को बरोज़ जुम्मा इंशाल्लाह बमुखाम चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज एक जलसा मुनक़िद किया गया है,
اور انشاءاللہ اس میں بہت سے علماء کرام اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے، اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام کی عظمت کو جو گھٹاتے ہیں ان کو یہ صاف اور دو لفظ میں یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کسی صحابہ کے بارے میں کسی انداز سے کوئی بدتمیزی کے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے، کوئی بھی صحابہ کی شان میں آپ گستاخی نہیں کر سکتے۔ اس سلسلے میں ہم ان تک یہ پیام پہنچانا چاہتے ہیں، سب سے قیادت کرتے ہیں، ہم سب کو ان پر اعتماد ہے، لہٰذا رد رافضیت اور اس سلسلے میں جو بھی اقدام جعفر پاشا کریں گے ہم نے کہہ دیا ہماری آپ کو تائید حاصل ہے، آپ ہم سب کے نمائندے۔ پولیس سے مایوس ہے نا، جعفر پاشا صاحب نے اپنے گھر میں پریس کانفرنس میں اعلان کیا ہے کہ اگر پولیس اقدام نہیں کرتی ہے تو ہم سب لوگ انشاءاللہ کمشنر آفس پر دھرنا دیں گے۔ صحابہ کی عظمت اور اہمیت اس لیے ضروری ہے کہ یہ ہمارے دین کا اہم ترین ستون ہے، اللہ کے رسول اور امت کے درمیان اس دین کو مضبوط کرنے والی کڑی کو صحابہ اکرام کی ہے۔ اس لیے بعض یہودی اور اسلام دشمن طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ صحابہ کی حیثیت کو ڈائنامیٹ کر دیا جائے، صحابہ کی حیثیت مشکوک ہو جاتی ہے تو ہمارا پورا دین مشکوک ہو جائے گا۔ اس لیے شروع سے یہ کوششیں رہی ہیں ہر زمانے میں کہ حضرات صحابہ کو کسی نہ کسی بہانے، بعض مرتبہ انفرادی طور پر اور بعض مرتبہ اجتماعی طور پر صحابہ کی شخصیت کو مجروح کیا جائے۔